मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के मैदान पर 1046 करोड़ की 258 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें गोरखनाथ पुल के समानांतर टू लेन का एक और पुल, पाली डोहरिया मार्ग पर राप्ती नदी के सुरगहना घाट पर पुल, पैडलेगंज से फिराक चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण, गोरखनाथ मंदिर परिसर से सोलर रूफ टॉप सिस्टम का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपको जो भी लाभ मिल रहा है इसकी वजह ट्रिपल इंजन की सरकार है। विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। तीनों लोकसभा की सीट आज भाजपा की है, इसलिए मेरी अपील है कि आज नगर पंचायत के साथ ही नगर निगम की सीट पर भी भाजपा के लोग रहने चाहिए, तभी यहाँ विकास तेजी से हो सकेगा। नगर निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर कमल खिलाकर अपने लोगों को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें गोरखपुर की उपेक्षा करती थीं, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास का परिणाम आज यहां के लोगों को मिल रहा है। 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान, नए कलेवर के साथ दुनिया में पहचान बनाने जा रहा है। नए उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का इलाज सरकार कर रही है। बेटियां आज पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, आज कोई भी किसी गरीब का जमीन कब्जा नहीं कर सकता। अपराधी अपराध करने से डरता है क्योंकि सरकार के पास इनका इलाज है। यूपी के लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज यहां के क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा है। बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं है। आज डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ ही ब्लॉक से लेकर क्षेत्र पंचायत और निकाय तक में भाजपा के लोग हैं, इसलिए हर तरह विकास हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, शरवर निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सुनीता मौर्या जी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हम आमंत्रित करेंगे एक जनपद एक उत्पाद से पूनम जी को, जिला उद्योग केंद्र के लाभार्थी मंच पर। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे प्रमिला जी एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण पीएम स्वनिधि की लाभार्थी। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे नीलम जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करबंदों से योजना की लाभार्थी कस्टम हाइडिंग सेंटर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। बोले भारत माता की, ना भी माता के चाहिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे हमने पूज्य महाराज जी, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर, इस भारत वर्ष में जो सबसे ज्यादा डिमांड हर चुनाव में, हर देश की जनता जिनको देखना चाहती है, हर देश की हर प्रांत की जनता जिनको सुनना चाहती है, ऐसे हमारे और आपके पूज्य महाराज जी गोरखपुर की शान आन बान, उनके चरणों में चंदन वंदन अभिनंदन। महाराज जी रोज महाराज जी एक ऐतिहासिक तोहफा दे रहे हैं। जनता आवता कुल मुड़िया मुड़ी रहता उसके पहले कुछ नाम ले लें, और ये वो नाम है जैसे मत्स्य कान के हमारे मंत्रालय के मंत्री श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उनके स्वागत बा। हमारे संसद में साथी श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद बांसगांव, श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर, माननीय फतेह बहादुर जी, माननीय विधायक विधानसभा कंपेरगंज, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक विधानसभा खजनी गोरखपुर, श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक विधानसभा चिल्लूपार, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिनको अभी आप सुन रहे थे, कुछ छोड़ना नहीं, तो विधायक जी विप्राइज श्री पांच गांव से नहीं है, माननीय विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण गोरखपुर,
प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक विधानसभा से जनवा, श्रवण कुमार निषाद जी माननीय विधायक विधानसभा चोरी चोरा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सदस्य विधानसभा विधान परिषद गोरखपुर, सीपी चंद जी माननीय सदस्य विधान परिषद गोरखपुर, हमारे नया क्षेत्रीय अध्यक्ष सरल व्यक्ति सजानंद राय जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर श्री राजेश गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर मंचा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ बोल दिए भारतीय जनता पार्टी के पूज्य महाराज जी के जितने भी सैनिक बैठे हैं, योद्धा बैठे हैं, यहाँ से लेके वहां से सब लोग के प्रणाम हमारा बहुत अच्छा, हम सबके देखा थे, सब लोग बहुत अच्छा लगा था। 1,048 करोड़ रुपया 46 करोड़ रुपया लेके देगा, 1,046 करोड़ रुपया आज महाराज जी द्वारा देव कुल जनता लेके जाए, महाराज जी देना सांसद बन के विधायक बन के उपकुल योजना और महाराज जी पूज्य महाराज जी का योजना, इसमें माननीय विधायक जी कुल गिनवा देना, हम आप लोगों का भी ना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि केवल गली चौराहा चौखर मोड़ गांव देहात शहर नगर कुछ बचा नहीं, जो काम हो रहा है जो हो चुका है और जो होगा महाराज जी की नजर में आज हम कह देते हैं, हमारे पास भी आवाला सब लोग भोले भोले हमेशा ही है कहिला, महाराज जी कोई काम इस गोरखपुर क्षेत्र में मंडल में जिला में गांव में पिपराइज भाई नगर भाई केम्पियरगंज भाई जो भी ग्रामीण बा नगर बा शहर बा बची नहीं, हर काम होगा, ये मैं आप लोग जानते हैं पूज्य महाराज जी को, पूज्य महाराज जी के कथनी करने में अंतर ना होगा, जैसे महाराज जी का हाल ना और सदन में जब कहे कि मिट्टी में मिला दूंगा तो माफिया लोग आप लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, यह वरन हमारे महाराज जी, जब महाराज जी कह रहे ना कि देवकुल जनता गरीब ग्रामीण बच्चा लोग का भविष्य संवरेगा, उन लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी, मेडिकल व्यवस्था मिलेगी, काम मिलेगा। हुआ है वर्ष 2017 से पहले गुंडा राज से उत्तर प्रदेश के नागरिक बेहाल थे, लोक कल्याणकारी एवं संतुलित आर्थिक विकास की नीतियों और योजनाओं से संवेदनशील सरकार के नेतृत्व में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक निवेश रोजगार स्वरोजगार कृषि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, गौरवशाली विरासत संस्कृति और समृद्ध परंपरा की धरती पूर्वांचल विकास की नई कहानी लिख रही है, गोरखपुर में एम्स की स्थापना से वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा मिली है, स्वच्छता अभियान की सफलता और शुद्ध पेयजल आपूर्ति ने जानलेवा इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समग्र विकास को दोगुनी रफ्तार मिली है, स्मार्ट सिटी गोरखपुर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने नागरिकों का जीवन सुविधाजनक बनाया है, खाद कारखाना चीनी मिल विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना खेल इंफ्रा का गांव तक विस्तार और भारत माता की भारत माता की वंदे 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 गोरखपुर जनपद की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, लोकप्रिय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गो
गोरखपुर श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक कैंटियरगंज श्रीमती बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक चुल्लूपा श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक चोरी चोरा श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री सीपी चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर जनपद और महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, एक साथ गोरखपुर की 258 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए 1,046 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करने के अवसर पर मैं आप सबका और पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहाँ एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके सुनिश्चित करने का कार्य विगत 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए कलेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी दफ्तर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आवास प्राप्त की, मैंने उनसे पूछा, मेरे को कोई पैसा तो नहीं मांगा, कहा नहीं साहब, पैसा मेरे खाते में आ गया। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए सीधे मकान बनाने के लिए, 12,000 से 15,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए, 90 दिन की मजदूरी, सभी मिलाकर के लगभग 1.5 लाख रुपए हर एक परिवार को उपलब्ध हो ही जाते हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजना के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है आज गोरखपुर विकास चारों ओर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक नए गोरखपुर का दर्शन आप कर रहे हैं। जिस गोरखपुर में पहले बिजली नहीं होती थी, आज चलिए आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपकी भी इच्छा होगी कि रवि किशन की तरह आप भी फिल्मों में शूटिंग करते हैं। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर की सड़क उस लायक को हो गई है, रामगढ़ ताल उस लायक हो ही गया है कि फिल्मों की शूटिंग हो, और वो करा रहे हैं, ढेर सारी फिल्मों का शूटिंग करवा रहे हैं। अब तो भोजपुरी ही नहीं, अब तो हिंदी के अलावा तमाम अन्य भाषाओं की भी फिल्में आकर के यहाँ गोरखपुर में शूटिंग हो रही है। ये चीजें दिखाती थी, संभावनाएं पहले भी थी, लेकिन पहले इच्छा शक्ति का अभाव था, पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भी है, और पहले उद्योग बंद कराए जाते थे, आज जिस कैंपस में आप इस सभा कर रहे हैं ना, यही फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज फर्टिलाइजर कारखाने में आप देख रहे होंगे, यानी फुल क्षमता से भी अधिक क्षमता से फर्टिलाइजर कारखाना काम कर रहा है। भाइयों बहनों, और फर्टिलाइजर कारखाने यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। उनका एक महत्वपूर्ण स्टेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना भी है, यहां पर चिकित्सालय भी है, यहां पर तमाम अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, और फर्टिलाइजर कारपोरेशन के द्वारा ही चिलवा ताल के सुंदरीकरण के साथ साथ जैसे बरनामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है, ऐसे चिलवा ताल के सुंदरीकरण की पर्यटन विकास की योजना को आज फर्टिलाइजर कारपोरेशन उसे आगे बढ़ा रहा है, एचयूआरए उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भैया विकास के लिए सोच चाहिए, और सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज 1046 करोड़ रुपए की परियोजना है, इसमें स्टेडियम मिनी स्टेडियम भी है, इसमें सड़कें भी है, इसमें पुल भी है, इसमें फ्लाईओवर भी है, इसमें शैक्षणिक संस्थान भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है, और यहां तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी, इससे बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही है, कुछ शहर की है, कुछ बांसगांव की है, कुछ खजनी की है, कुछ पिपराइज की है, कुछ कैंपियरगंज की है, अलग 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 क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं वह मदद करता है, लगातार जीवन को आसान बनाना, समय का बचत करना, जितना समय हम चलने में लगाते हैं उतना समय व्यक्ति श्रम करने में लगाएगा, कहीं मेहनत करने में, किसी अन्य कार्य करने में लगाएगा, कोई कार्य में तो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर लेगा। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सोच नहीं थी, लोगों के द्वारा इसलिए माफियाओं को करताया जाता है, कहीं थर्म माफिया, कहीं भूमि माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं संगठित अपराध के माफिया, कहीं अलग अलग प्रकार के माफिया उभर पड़ते थे। पीड़ित आम जन होता था, गरीब होता था, व्यापारी होता था। आज क्या कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपको एक मैं आगाह करने के लिए आया हूं, सकारात्मक सोच को आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर संचार हुआ है, उस सकारात्मक सोच को हर एक तबके तक पहुंचाने की आवश्यकता है, बिना भेदभाव के हर तबके को योजनाओं का लाभ देने की आवश्यकता है, और नई योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं। ये योजनाएं आसानी से आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरेक स्तर पर कार्य कर रही है, ग्राम पंचायत में भी, क्षेत्र पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी, विधानसभा में भी,
गोरखपुर में पहली बार 9 की 9 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। ये दिखाता है गोरखपुर विकास चाहता है, ये विकास की सकारात्मक सोच हम सबको विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने का एक माध्यम देता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, अगर 9 की 9 विधानसभा की सीट, 3 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है तो नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं भी भारतीय जनता पार्टी की झोली की ओर आए, इसकी बेहतर रणनीति अभी से तैयार हो जानी चाहिए। गोरखपुर के हर नागरिक का प्रत्याशी होगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और उस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाइयों बहनों आपके विकास को कोई बाधित नहीं कर पाएगा। अगर आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कोई आपके विकास को बाधित नहीं कर सकता, शासन से मिलने वाली योजना से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता, कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, बाकी की जिम्मेदारी तो उठाई लेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आप मैं आपके पास आया हूं, ये योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत हो, खुशहाली भरी हो और भी तेजी के साथ विकास की योजनाओं पर आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए हम सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहले नगर निकाय में कमल का परचम फहराएंगे और फिर लोकसभा चुनाव में कमल ही कमल दिखाई देगा। यह एक अभी की रणनीति हम सबकी प्रारंभ हो जानी चाहिए। इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आप मैं आपके बीच यहाँ पर इस फटाईदर कारखाने में आया हूं कि फटाईदर कारखाने को चलते हुए आप देखते होंगे, रात्रि के समय इधर से बाहर निकलिए क्या जगमगाहट लगती है, ऐसे लगता है जैसे आप किसी दुनिया के किसी विकसित सिटी के पार्ट हो। गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो चुका है, रामगढ़ताल की सुंदरता आप सबको अपनी उर्वाती होगी, गोरखपुर की हर सड़क को 4 लेन और 6 लेन के साथ जुड़ते हुए आपने देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है, गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज को आज स्वास्थ्य सेवा के बेहतरीन केंद्र के रूप में भरते हुए भी आपने देखा है, पिपराज की बंद चीनी मिल फिर से धुआं उगलते हुए दिखाई दे रही है और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन कर रही है, आयुष विश्वविद्यालय एक बार फिर से गोरखपुर को नई पहचान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। भाइयों बहनों हर एक सेक्टर में स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, उद्योग का हो, रोजगार का हो, अन्नदाता किसानों के जीवन का हो या युवाओं के जीवन में परिवर्तन करने का हो, हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ नया हुआ है लेकिन बहुत कुछ अभी नए बेदाने की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उस नए करने के संकल्प के साथ आपको आज जोड़ने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। मेरा आप सबसे ये अपील होगा कि जिन विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, ये विकास की योजनाएं आप सभी गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फलीभूत हो, उनके जीवन में मंगल ही मंगल का योगदान इन योजनाओं के माध्यम से हो, इस विश्वास के साथ मैं इसकी बधाई आप सबको देता हूं और विश्वास करता हूं पहले नगर निकाय के चुनाव में और फिर देश के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में भी कमल खिलाने के लिए आप पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही ने कहा, आज फर्टिलाइजर के मैदान में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 1046 करोड़ के 258 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करके गोरखपुर को एक नई सौगात जो गोरखपुर के विकास को देने का कार्य किया है। यह योजना देने से गोरखपुर के विकास में यह अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर, नया गोरखपुर
देख बना करके गोरखपुर में विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का काम पूज्य महाराज जी ने करने का कार्य करा। इसके लिए गोरखपुर की समस्त जनता पूज्य महाराज जी के लिए आभारी है। अच्युतानंद साई, महानगर महामंत्री, भाजपा।